आज के वीडियो में कोई ना नुकुर इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं तो लपड़िया झपड़िया देंगे, पहले बता दे रहे। हाँ, क्योंकि आज की वीडियो सीधा मुद्दे की बात पे होगी और कोई भी बकवास नहीं होगी, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है कि आज की वीडियो में हमें मिल चुकी है एक ऐसी स्नाइपर जो कि थी एलियंस की, और वो एलियन की स्नाइपर मिलने के बाद हमारा दिमाग बिल्कुल हो चुका है ख़राब। तो बिल्कुल मुद्दे की बात होगी, वरना सबको फिर लपड़ा झपड़ा देंगे। सबसे पहले दिखा देते हैं आपको स्नाइपर कौन सी है, और अगर आपने नहीं ली है तो ले लेना मेरी रिकमेंडेशन पर, क्योंकि पिछले जितनी भी चीज़ें रिकमेंड करी है ना, वो सब बहुत जहरीली, बहुत शानदार हैं। सबसे पहले देख लो UFO स्नाइपर राइफल लेवल 1, ये ले लेना आप, अपग्रेड कर लेना। लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सीधा नॉर्मल लेवल 1 का ही परफॉर्मेंस दिखानी है, और इसके साथ में एक और गन का हम रिव्यू करेंगे, वो इसके बाद करेंगे, मतलब इसी वीडियो में करेंगे लेकिन थोड़ी देर में करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कैसे हम इनको लपड़ा झपड़ा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये है इस गन की कि ये गन मुझे देखने में थोड़ी ठीक ठाक सी लगती है। वो क्या करें, वो कुल लेने वो नहीं था तो हमने सोचा स्नाइपर ले लें, इसी के साथ गाड़ी टेस्ट करते हैं। 1 राउंड 2 राउंड 3, तो मतलब 3 शॉट में आप किसी की भी गाड़ी को फूंक सकते हैं, धुआं धुआं कर सकते हैं, छलनी छलनी कर सकते हैं। इस स्नाइपर में इतनी शक्तियां हैं, इतनी क्षमते वाली स्नाइपर है, और उसी के साथ आज की वीडियो में बहुत खून खराबा होने वाला है। तो अगर आप बच्चे हैं तो आप ज़रूर देखें, अगर आप बड़े हैं तो आप ज़रूर देखें, अगर आप बूढ़े हैं तो बिल्कुल देखें, ठीक है? और अगर आप इंसान नहीं हैं तो ना देखें, बस इतना ही कहना चाहेंगे। और एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि यार बोलना क्या छोड़ दिया आप लोगों ने, सब्सक्राइब करना ही छोड़ दिया। इतने दिन से हम देख रहे हैं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, हम रोज़ वीडियो बना के आपको पूरी मोहब्बत के साथ सब पूरी आपको मोहब्बत दिखा रहे हैं, और आप थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं दिखा रहे। यार मोहब्बत जब दोनों तरफ से हो ना तब मज़ा आता, असली इश्क का एक तरफा मोहब्बत का क्या मज़ा है, दिखाओ थोड़ी मोहब्बत यार। बार बार कहते हुए हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेन फोकस होना चाहिए वीडियो पर। और देखते हैं आगे की वीडियो में, देख रहे हैं आप कैसे खून खराबा लगातार चल रहा है। और उसी के साथ ये स्नाइपर मैं आपको बता दूं, इसके डैमेज लगभग 1500 है, जो कि बहुत शानदार है। और आपका लगा भी क्या, इसमें एक चमन्नी नहीं लग रही, बहुत भौकाली गन आपको मिल रही है, तो ज़रूर से ज़रूर परचेस कर लेना अगर अभी तक ना किया हो तो, और अगर कर लिया हो तो बता देना। वैसे आप खून खराबा बिल्कुल देख ही पा रहे हो, फटाफट मेरे पे शॉटगन पड़ रही है, और ये देख के मेरा मन बिल्कुल विचलित होता जा रहा है। और स्नाइपर की सबसे अच्छी बात यह एक है कि आप बहुत दूर से इससे किसी की भी ले सकते हैं जान, लेकिन इसका एम करने में, इसका टारगेट लगाने में आपको थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इतनी मज़ा लेने के लिए इतना तो बनता है। और मैं आपको बता दूं, हेल्थ पूरी भरपूर रखना, वरना बहुत जल्दी पेल दिए जाओगे, क्योंकि भैया मिलिट्री बहुत तगड़ी हो चुकी है यहाँ पे। पर बता दें कि इसका जूम है 6x, मतलब 6 गुना तक आप जूम कर सकते हो, मतलब बहुत दूर तक किसी की ले सकते हो। अभी वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे, सबसे पहले थोड़ा सा अपग्रेडेशन कर लें, क्योंकि हमारी हेल्थ बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, और अगर एक और गोली पड़ गई तो हमारा काम बिल्कुल तमाम हो जाएगा। और हेल्थ के साथ हमने ड्रोन भी ले लिया है, और अब देखो ये मिलिट्री वाले ऐसी मतलब कॉस्ट्यूम लेके आते हैं ना अपने लिए कि इन पर गोलियाँ बरसा दो, 2-3 गोलियाँ ये खाते ही खाते हैं। जितनी गोली एक कार को ब्लास्ट होने में लगती हैं, उतनी ही गोलियां इनको भी ब्लास्ट होने में लगती हैं, मतलब इनको भी मरने में लगती हैं। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं शानदार सा रिव्यू इस भौकाली सी गन का। और ये गन आपको कैसी लगी, अगर आपने ख़रीद ली है तो बताना, नहीं खरीदी है तो ख़रीद लेना, अभी भी मौका है। फर्जी की चीज़ें खरीदना छोड़ो, अच्छी मोहब्बत वाली शानदार चीज़ें खरीदो, जो हम आपका पहले ही बता रहे हैं। अब थोड़ा अंदर चल के देखेंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट अब है हेलीकॉप्टर। इनका जो हेलीकॉप्टर आएगा उसको देखते हैं कितनी स्नाइपर में काम तमाम कर सकते हैं। और एक दो बातें और बता देते हैं, पिछली वाली वीडियो में लोग पूछ रहे थे भैया कहाँ से लियो, भैया कहाँ से लियो, अरे भैया कितनी बार बताई कहाँ से लिया यार, वीडियो बना बना के बता रहे हैं भैया कहाँ से लिया, भैया ले लो। तो यार यह गलत बात है, कौन सी गोली मार दियो जो हम मर गए इतनी जल्दी, फर्जी बहस कर रहे हो, 2 करोड़ का आदमी नहीं, वहाँ गोली मार दिन मर गए बताओ, तुम कहाँ हाथ ऊपर खड़े करो भे, तुम वहाँ अच्छा मल्लू मल्ली कर रहे थे किनारे, आहा ठीक है रुको दे रहे हैं तुम्हें, अभी पूरा हिसाब कर रहे हैं तुम्हारा कनपट्टी धर के। हाँ तो बात ये कर रहे थे भैया तुमको यार बताते हैं हम जब कि कहाँ से ले रहे हैं, तुम भी ले लो, तो अब तुम सुनोगे नहीं। और ये पिछली वाली वीडियो का मारिस रहा कनपट्टी दिया भट्ट से, तो गिरे हैं बहुत आगे जाके, रेंच वेंच लेके जा रहे हैं, वो मैडम बैग लेके भाग रही, पता नहीं कहाँ भाग के ही चली जाएंगी जैसे हमसे। चलो कोई बात नहीं, ये एक आदमी लेटा हुआ है इसको मरने देते हैं। और गाड़ियाँ इतनी तेज़ अचानक क्यों चलने लगी हैं, और उसी के साथ यहाँ पे मेरा निशाना देख सकते हैं आप, और घस ओहो बेस्ट शॉट रहा अभी तक का ये, जैसे मैंने इस पुलिस वाले को मारा है मज़ा आ गई मार के। हाँ तो मैं आपसे ये बता रहा था कि भैया आपको मैं जब बता देता हूँ कि काहे यार काहे काहे नहीं जिए दे रहे हो चैन से,
खैर इन 2 मिनटों को बात कर ले, गोली गोली पेले हो रोड पे चढ़ाए दे रहे हो वो अलग, वो देखो ऊपर चढ़ के खड़ा है वो कितनी फट रही है, कहूँ नीचे आ गए तो कुत्तन तरीके बच तब भी नहीं पाओगे। एक बार बस एम ले ले और पेड़ के पीछे घुस जाओ, चाहे तुम कहूँ घुस जाओ। और तुम भैया वो तो फर्जी मर गया, वो तो ऐसे गिर गिर पड़ा रहा है, वेका खड़े नहीं हुए दे रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर इस गन का सिर्फ इतना ही रिव्यू रखते हैं, क्योंकि अभी दूसरी गन का रिव्यू भी करना है, और अगर ऐसे ही करते रहे तो फिर बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा और फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं दूसरी गन की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको जरा एक बार दूसरी गन के दर्शन करा देता हूँ। तो दूसरी गन देखने में आपको कुछ ऐसी सी लगेगी, ये वाली नहीं है यार, ये तो हमारी पुरानी गन है। ऊपर करो बेटा, हाँ नहीं नहीं ये भी गन नहीं है, नहीं हाँ 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 ये भी यही गन है, मैक्स जूम 3x और पॉइजन अटैक। तो ये गन है जो फाइनली जिसका रिव्यू अभी आप देखने वाले हैं, डेड स्लाइडर करके इसका कुछ नाम है। तो चलते हैं और इसका रिव्यू दिखाते हैं। सबसे पहले इसका जूम दिखा दूंगा, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो मतलब जब मैंने वेपन रिकमेंड किए थे तो मैंने आपको कहा था कि 6x वाली गन लेना, जिसका वीडियो आपने थोड़ी देर पहले देखा। अब इसमें क्या खूबी है मैं आपको बता देता हूँ, इसका जूम सिर्फ 3x है, मतलब इससे आप बहुत दूर तक जूम करके किसी की जान नहीं ले सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं यहाँ से जूम तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे लोग ही नहीं दिख रहे हैं। तो फाइनली हमें चलना पड़ेगा आगे की तरफ, क्योंकि किसी की जान लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको तो पता ही है। और आप लोग लाइक का बटन दबाने में भी मेहनत नहीं करते हो, सब्सक्राइब का बटन दबाने जितनी मेहनत नहीं करते हो, एक प्यारा सा कमेंट करने जितनी मेहनत नहीं करते हो, क्या ही बोले यार, ये कैसी मोहब्बत है, तो बेवफाई है, क्या ही कह सकते हैं अब आपको। चलो ठीक है, आपको रिव्यू करके दिखाते हैं। सबसे पहले बड़ी चौड़ में कुछ लोग आ रहे हैं, तो इसमें से कोई तरंग देखो, इसमें जब लिखा था ना पॉइजन अटैक तो मुझे लगा था कुछ शायद वैसे बुलबुले जैसा निकलता हुआ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही मोहब्बत के साथ सारे लोग एक शॉट में ढेर होते जा रहे हैं। अब आगे चल के देखना है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन सी गन आपको लेनी चाहिए। तो फाइनली शायद मैं उस गाड़ी पे शूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बीच में घास आ रही है। अब आप देख सकते हो कि यही घाटा है, दोनों के डैमेज सेम है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की परफॉर्मेंस में, ये चीज़ अभी आपको पता चल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर इसमें जूम करते हैं, जगवार जैसी गाड़ी खड़ी है, 1 शॉट 2 शॉट और 3 शॉट, जी हाँ दोनों को कार ब्लास्ट करने में तो सेम लग रहा है टाइम, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें थोड़ा जूम की प्रॉब्लम है, और इसमें जो है आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और कम देखने को मिलेंगी। इसमें पॉइजन अटैक का क्या मतलब है वो मैं आपको थोड़ा जब लेवल 3 अपग्रेड करूँगा तब बता दूंगा। अगर उसकी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ में मैं इससे एम भी नहीं कर पा रहा हूँ उतने अच्छे से, इसमें देखो प्रॉब्लम मेरी नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपने गेम प्ले देखा कैसे हमने तड़ापड़ भड़ाबड़ सबको मारा। तो फाइनली यही कुछ था इन दोनों गन्स का रिव्यू, और जिसमें से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहली वाली गन मेरी पर्सनल फेवरेट है, बन गई है, और वो मुझे इससे तो ज़्यादा ही पसंद है। और इसी के साथ कंपनी का फ़ोन आ रहा है, क्योंकि मेरे में रिचार्ज है नहीं और आप लोग मोहब्बत दिखाते नहीं हो। तो फाइनली आज की वीडियो का अंत और समापन यहीं पे करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई सजेशन है तो वो भी बताना। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।